नियोजित शिक्षक को लेकर के जो है लगातार अगर हम बात कर लें तो सीपीआई माले के जो भी सदस्य हैं उनके तरफ से ये कहा जा रहा है जो सरकार उन्हें जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महबूब आलम जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। लगातार इन्होंने अपनी मांगों को रखा भी है, अपने दल के विधायक को इन्होंने इस आंदोलन के लिए चुना भी है, हम इनसे बात करेंगे। महबूब जी, नहीं लग रहा है जो अब जिस प्रकार से आप लोगों ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, कई बार आप लोगों ने मांगे भी रखी, कई बार आप लोगों ने इस रिगार्डिंग बातचीत भी हुई, हम लोगों की भी बातचीत हुई, अब दिसंबर जो है बीतने पर है और 24 आने वाला है, तो अब नहीं लग रहा है जो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का ये कहना था जो भाई परीक्षा वगैरह नहीं लिया जाए, इन लोगों के पास अनुभव है तो इनको बना दिया जाए, लेकिन अब समय बहुत बीतते जा रहा है, तो महबूब जी आखिर इस प्रकरण में क्या होने वाला है? आप सरकार में हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग हमेशा स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से भी जी कि नियोजित शिक्षक के साथ जी न्याय किया जाए, और इनसे हमने 15-20 साल तक काम ले लिया जी, और सरकार का पैसा भी इनको दिया गया है जी। कोई पंचायत, कोई नगर पंचायत, कोई जिला जी जो परिषद है इनको पैसा नहीं दे रहा है जी। तो जो त्रुटियां हुई, गड़बड़ियां हुई, उसको नजरअंदाज बिल्कुल किया जाना चाहिए और इनको सरकारी शिक्षक का दर्जा दे देना चाहिए जी। लेकिन तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा जैसे अब स्वागत करना चाहिए कि लाखों लाख शिक्षकों को अब नियुक्ति दी जा रही है, सबसे पहले बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, समझे होंगे। और आप जो बोल रहे थे कि हम लोग सरकार में, तो सरकार में है नहीं, लेकिन सरकार के समर्थन में हम लोग, हाँ समर्थन में है, तो आप लोग की मांग भी है ना महबूब जी, आपने लगातार मांग रखा है जो भाई अनुभवी लोग हैं इन लोगों को जल्दी से बनाइए, तो आखिर डिले तो हो रहा है ना लोग, आप डिले हो रही है जरूर, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि जनवरी तक इन लोगों का समाधान हो जाएगा। अच्छा, तो बात है, ये लोग पढ़ाते लिखाते हैं लंबे समय से जी जी, और शिक्षा को दुरुस्त करने की भी बात है, तो कुछ त्रुटियां, कुछ कमजोरियां है तो उसको दूर किया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। शिक्षक महबूब जी, 28,000 नियोजित शिक्षकों ने रिजल्ट भी निकाला था बीपीएससी में, शिक्षक नियुक्ति जो हुई थी उसमें, तो आप मेरा सवाल बस इतना है जो आपसे, क्योंकि आप लोगों ने इन चीजों को लेकर के लगातार सरकार से मांग भी की है, तो क्या इन मामले में एग्जाम, अब आप क्या देखते हैं जो एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी, सीएम नीतीश कुमार जी ने भी मंच से कहा था जो एक छोटा सा एग्जाम देना होगा, गांधी मैदान में कहा था उन्होंने, और जो है उनकी भी, उनको भी राजकर्मी हम बना देंगे, तो क्या आपको लग रहा है जो क्या एग्जाम भी हो सकता है? आप लोग भी इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, भाई सरकार एग्जाम ले रहा है लेकिन कई सभी लोगों को पास कर दिया जाएगा, क्या आप अभी भी अब ये कह रहे हैं, या फिर कह रहे नहीं कोई एग्जाम नहीं होगा? सीपीआई माले के लोग अभी भी कह रहे हैं जो एग्जाम नहीं होगा, इनको बनाना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव है। अरे, जो नियोजित शिक्षक है, इन लोगों के जो शिक्षक का बहुत परीक्षा ली गई, इन लोगों की पात्रता परीक्षा, परीक्षा, और समय से लोग पास कर ही गए हैं जी जी जी, इसलिए एग्जाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, और सरकार को हम लोग समझा रहे हैं, सरकार से बात कर, सकारात्मक है बातचीत, बिल्कुल एग्जाम वगैरह का ये सब बात खत्म किया जाए और इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट मांग है। अभी भी सीपीआई माले जो है इस मांग पे अड़ी हुई है, भाई एग्जाम मत लीजिए आप, है ना? ये अड़ी हुई नहीं है, हम लोग की साधारण समझदारी है कि आप भाई, आप एक शिक्षक से उम्मीद नहीं करते हैं आपकी पढ़ा देंगे, 15 साल उसने पढ़ाया, बिल्कुल आपने ट्रेनिंग वगैरह भी दी, सक्षमता परीक्षा आपने ली, पात्रता वगैरह, डिफरेंट किस्म का उन लोगों के साथ, लेकिन इस तरह से बात करना, देखिए परीक्षा देने की भी एक मानसिकता होती है जी जी जी। अब आप मुझे अभी ग्रामर की परीक्षा लेंगे, मैं बिहार विधानसभा का विधायक हूँ जी जी जी, हो सकती है परेशानी, लेकिन 4 दिन अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा जी जी जी। जहाँ उनली की अगर कमजोरियां हैं तो उनको ट्रेन कर दिया जाए ना जी जी जी। आप समाज का द्वंद्व समाज क्या है, अगर नहीं पढ़ा पाते तो पढ़ा देगा, उसको तो परीक्षा देनी ही नहीं है, समझ जी जी। इसलिए ये मुझे लगता है उनकी उपेक्षा हो रही है, और सरकार अब तक हमारी बातों का सकारात्मक संज्ञान लिया है, हम लोगों की मांग का, और इस तरह से हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि हम लोग मांग करेंगे और
आने वाला दिन में वार्ता होगी और सेशन भी शुरू होगा। उससे पहले जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की तरफ हम लोग बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो 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 विधानसभा का सत्र होगा, बजट सत्र होगा, उससे पहले इन लोगों को जो है सारी खुशखबरियां जो है मिल जाने की संभावनाएं हैं। मिल जानी चाहिए, तो इशारा मुख्यमंत्री ने भी दिया था। वो जो हमारे जो 7 विधायक दल जो गठबंधन की सरकार में है उनके नेताओं के साथ बातचीत करके उन्होंने इशारा भी किया था कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। और आप देखे, आपने देखा कि और रिपब्लिक ये इंडिपेंडेंस डे में भी उन्होंने इशारा किया था, तो उस दिशा में बहुत बातें तो हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। अब कुछ विसंगतियां हैं, अब आप देखिए ना, आप जो बीपीएससी परीक्षा में कुछ के पाठक जी का, कुछ अतुल प्रसाद का जो विसंगतियां थी, विसंगतियों को सरकार को हस्तक्षेप करके बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है। और चलिए, नियोजित शिक्षक को जो कुछ भी विसंगतियां रही है वो दूर हो गई होगी, ऐसी बात नहीं है। हम समझते हैं सब सक्षम है, योग्य है, और सरकारी राज्यकर्मी का राज्य शिक्षक का दर्जा इन लोग को दे देना चाहिए। ये मुद्दा हम लोग का है, इस मुद्दा पर हम लोग टिके हुए हैं और अब तक हम लोग की तमाम मांगों को पूरा किया है। सरकार ने सकारात्मक संज्ञान लिया है और हमें उम्मीद है कि ये खुशखबरी मिल जाएगी। जो हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए महबूब आलम जी थे, जो सीपीआई जो माले हैं उनके विधायक दल के नेता थे, और इन्होंने कहा जो बिल्कुल हम लोग शिक्षक के साथ हैं, और बजट सत्र से पहले जो है इन लोगों के जो नियोजित शिक्षक हैं इनको खुशखबरी मिल जाएगी। और इन्होंने ये भी स्वीकार कर रहे हैं ये जो हाँ डिले तो हो रही है, लेकिन चाहेंगे जो इन लोगों को समय पर जो है तमाम चीजें मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महबूब जी बातचीत करने के लिए आईबीटीवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।